राजधानी के बिरला सभागार में शॉर्ट फॉर्मेट थिएटर फेस्टिवल रंगम का आगाज हुआ। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने किया। रंगम फेस्टिवल की शुरुआत फेलिसिटी थिएटर की ओर से नाटक महाभारत का प्रभावी मंचन से हुआ। नाटक देखने के लिए पुलिस डीजीपी कपिल गर्ग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आनंद कुमार, नगरीय स्वायत्त शासन के संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी परिवार सहित पहुंचे। नाटक में फिल्म, टेलीविजन तथा थिएटर की जानी मानी हस्तियों ने मंच पर महाभारत के पात्रों को जीवंत किया। अभिनेता पुनित इस्सर लिखित और निर्देशित इस नाटक में पहली बार दुर्योधन और कर्ण के बीच की निस्वार्थ निष्ठल मित्रता और निष्ठा का सशक्त मंचन प्रदर्शित किया गया। वहीं पर रविवार को राकेश वेदी लिखित नाटक जब वी सेपरेटेड का मंचन किया जाएगा। टीवी पे बहुत बार हमने देखा हुआ था, लाइव शो पहली बार देख रही हूँ, लाइव एक्शन पहली बार देखेंगे ऑन स्टेज। हम बहुत क्रेज के साथ ये देखने आए बिकॉज इट इज डायरेक्टेड बाय पुनीत इस्सर एंड उद्भव ओझा का म्यूजिक हमने बहुत सुना है। देखिए, ये तो इस तरह के एपिक चीजें हैं जिनके बारे में अपन बचपन से ही सुनते देखते आए हैं। अलग अलग समय जब जब हम इसको जितनी बार भी सुनते हैं या देखते हैं, नए नए अर्थ, नए नए मायने और जिंदगी में इनकी रेलेवेंस नए नए ढंग से देखने को मिलती है। अभी हाल ही में मैंने सदगुरु को सुना, सदगुरु ने भी महाभारत पे बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं और महाभारत की जो कथा है उसको उन्होंने अपने अंदाज में कहा है। डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, जो लाइव चीज़ होती है वो आपसे, आप टीवी की देखी नहीं जाती तो लाइव तो आपके जहन से उतर ही नहीं सकती। और ये एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नई सोच है, ये पुनीत जी के द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई है। शिक्षा दी गई, कर्म के बारे में बताया गया तो, और फल के बारे में चिंता नहीं करने का संदेश दिया गया। मैं भी इसमें पूरा विश्वास करता हूं और इस प्ले को एंजॉय करने आया हूं। मैं इस अवसर पर सभी अपने प्रदेशवासियों से भी कहना चाहूंगा कि वे भी कर्म में विश्वास करें और प्रदेश की खुशहाली के लिए काम